अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, टर्म्स टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ओके, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब हमें बार बार स्फेरिकल मिरर बनाने होंगे, तो सबसे पहले हम ये सीख लें कि स्फेरिकल मिरर हमें डायग्राम में कैसे बनाना है। ठीक है, कंपास दीजिए जरा, कंपास कंपास। पेंसिल लगी भी चाहिए, ये देखकर इसका क्या करूंगा। कैसे आपको ड्रॉ करना है ध्यान से देखिए। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर बनाएं या कॉनकेव मिरर बनाएं, आपने कंपास को बहुत सारा खोलना है, कंजूसी नहीं करनी इसे खोलने में। ठीक है, बहुत सारा खोलना है इसे, करेक्ट। और उसके बाद कैसे ड्रॉ करेंगे कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन आपने ड्रॉ की, ओके। और अब कहीं भी इस लाइन पर रखिए आप, बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, लाइन से अलग चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लाइन की सीध में होनी चाहिए आपकी कंपास की सुई, कंपास की निडल, इसी लाइन पर कहीं रखिए आप इस तरह से कि जहां आपको मिरर बनाना है वहां आपका आ जाए क्या, पेंसिल। और निडल कहाँ हो, इसी लाइन पर कहीं होनी चाहिए। अब दिखाई दे रही पूरी लाइन, यहां हमने बनाना है मिरर, तो हमने यहां पेंसिल रखी, निडल अपनी इस लाइन पर रखी और चला दी गई, केवल एक बार, केवल एक बार, दोबारा नहीं फेरना इसके ऊपर। ध्यान से देखिए कि आपका जो ये मिरर है बहुत हल्का सा घुमा हुआ आएगा इसमें। अगर आप कंपास कम खोलेंगे, अगर आपने कंपास को कम खोला, इतना खोला, तो फिर ये घुमाव कर्वेचर, इसका जो कर्वेचर है वो बहुत गहरा कर्वेचर बनेगा। हम जो भी स्टडी करेंगे, हम जो भी स्टडी करेंगे इलेवेंथ क्लास में, अब रे ऑप्टिक्स इलेवेंथ क्लास में है, पिछले साल तक लास्ट ईयर तक रे ऑप्टिक्स ट्वेल्थ क्लास में हुआ करती थी, इस साल बोर्ड ने रे ऑप्टिक्स इलेवेंथ क्लास में कर दी है, और मैं हमेशा ही इलेवेंथ क्लास में से पढ़ा दिया करता था। इस साल बोर्ड ने कह दिया चलो अपनी तुम 20 साल से तुम्हारी चल रही है, चलो ऐसे ही करते रहो। तो हम जो स्टडी कर रहे हैं यहां, हम उन मिरर की स्टडी कर रहे हैं जिनका घुमाव बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि घुमाव कैसा है, हल्का सा घुमाव है, बिल्कुल कर्वेचर इनका बहुत कम है। जितने भी रूल्स हम पढ़ेंगे वो इन वाले मिरर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे जिनका कर्वेचर बहुत ज्यादा है, घुमा हुआ है बहुत। वो सारे रूल्स किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, उस मिरर के लिए जो हल्का सा घुमा हुआ, हल्का सा कर्वेचर है बिल्कुल। इसलिए हम डायग्राम में अपने मिरर की कर्वेचर बहुत लाइट लेके चलेंगे, और डायग्राम में मिरर की कर्वेचर हल्की सी आए इसके लिए आपको कंपास काफी सारा खोलना पड़ेगा, करेक्ट। इसके बाद आपने डायग्राम में क्या करना होता है, डायग्राम में पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करने होते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमने जितनी भी रेडियस ली है, हमने जितनी भी रेडियस ली है कंपास में, उस रेडियस से कोई मतलब नहीं, जितनी कंपास में हमने घुमा लिया था ये इतना सारा लिया था कंपास में, अब हमें फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करने के लिए इससे कोई मतलब नहीं। अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, सबसे अच्छा रहता है
कि आप 5-5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें, ये आपका बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पीक, और इस पर हम दिखा देते हैं पॉलिशिंग किस सरफेस के अपोजिट, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अपोजिट। इधर इधर क्या है, ये इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाली क्या है, ये है पॉलिश्ड सरफेस। इसी तरह से सारे डायग्राम ड्रॉ होंगे, ठीक है। ये कर्वेचर बहुत हल्का सा आना चाहिए, गहरा कर्वेचर नहीं चलेगा, करेक्ट। कौन सा मिरर बनाया इस टाइम हमने, ये कॉन्केव। जब कॉन्वेक्स बनाना होगा तो बना ही लेंगे फिर तो आप, या बना के दिखाऊं, उसे भी बना के दिखाऊं, बना लेंगे, बना के दिखाऊं, दोनों ही पे यस यस नो नो हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये कंपास लिया आपने, ढेर सारा ऐसे खोल लिया, यहां आपको मिरर बनाना है, जहां मिरर बनाना है वहां निडिल आपने अपनी पेंसिल रख ली, और निडिल पीछे इसी लाइन पर जो आपने लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, ओके। इसके बाद आप बिल्कुल एक बार ले जाएं, शार्प पेंसिल होनी चाहिए, अभी भी देखो गड़बड़ हो गई है, डबल लाइन ड्रॉ हो रही है, इसलिए पेंसिल एकदम शार्प होनी चाहिए, करेक्ट। अब क्या क्या पॉइंट हो गए, ये हो गया आपका पी, इधर बनाएंगे पॉलिश्ड सरफेस, सामने है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और फिर क्या करना है, फिर हमने वही काम करना है कि 5 सेंटीमीटर पर फोकस और 10 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 और 10 पर ही लें, आप इसके आगे पीछे भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा आपकी कन्वीनियंस हो। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, जैसा आप चाहें, लेकिन ध्यान ये रखना है बिल्कुल पक्का कि आपका ये कर्वेचर बिल्कुल लाइट होना चाहिए। जो आपका प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर से तो कभी भी नहीं बनाना है, प्रोटेक्टर से कभी नहीं बनाना है, प्रोटेक्टर का घुमाव बहुत गहरा होता है, उससे आपका मिरर ठीक नहीं बनेगा। मिरर ठीक नहीं बनेगा तो फिर मिरर के इमेज वगैरह भी ठीक नहीं बन पाएंगे, करेक्ट। डायग्राम ड्रॉ कीजिए ये दोनों, फिर हम इसके बाद में इसकी टर्म्स लिखते हैं कि टर्म्स क्या क्या कहलाती हैं। फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं अब हम पोल, पोल POLE, पोल। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ, लिखते हैं द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, द ज्योमेट्रिकल सेंटर सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर, इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर, पोल। अब समझिए ये पोल क्या है, ये मिरर है, ठीक। इस मिरर के ही ऊपर, इस पूरे मिरर का जो सेंटर पार्ट है, सेंटर है बिल्कुल एग्जैक्ट, इस सेंटर को हम बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर, मिरर का सेंटर। अगर मैं इसको इतना तोड़ दूं तो अब इसका पोल बदल जाएगा, जो पोल पहले यहां था अब वो पोल कहीं और चला जाएगा। जैसा भी है मिरर, जैसी भी शेप का है, जो साइज है उसका, उस पूरी ज्योमेट्रिकल शेप का बीचों बीच का पॉइंट ले लीजिए आप,
वो कहलाएगा पोल। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? ये मिरर के शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, करेक्ट। नेक्स्ट लिखते हैं हम रेडियस, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है इसे समझते हैं हम। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये मैंने ड्रॉ किया, कौन सा मिरर ड्रॉ किया है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ये ड्रॉ किया। ओके, ये कॉनकेव मिरर अभी आपको बताया था कि एक बल्ब है बड़ा 200 वाट का आपका, और टूट गया वो, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बने गोल वाले हिस्से के, उनमें से हर एक टुकड़ा स्फेरिकल है अपने आप में, लेकिन एक्चुअली हर एक टुकड़ा क्या है? एक बड़े स्फीयर का पार्ट है जिसमें से वो टूटा है। इसी तरह हर एक स्फेरिकल मिरर, हर एक स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी बड़े स्फीयर का टुकड़ा है। ये बड़ा स्फीयर है, हर एक मिरर अपने आप में क्या है? किसी एक बड़े मिरर में से, बड़े स्फीयर में से टूटा हुआ पार्ट है। ये स्फीयर था, उसका एक पार्ट निकालकर आपने मिरर बना लिया। तो जब ये स्फीयर है, स्फीयर है ये, तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ही कोई। बस ये जो स्फीयर का सेंटर है ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखते हैं The mirror has been the center.